इंजीनियरिंग की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ा जम देखने के लिए मिला। 4% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई। हालांकि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन पटेल इंजीनियरिंग में हमको बड़ी बाइंग आज के दिन में देखने के लिए मिली थी। एक बड़ा जंप स्टॉक ने दिखाया है और हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि गिरावट आ रही है तो 52 और उसके ब्रेकडाउन के बाद ये जो लो है 51 आखिरी सपोर्ट रहेगा, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। इससे पहले भी 52 के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, उसी के आसपास से सपोर्ट लेकर एक जंप आया, गिरावट आई, गिरावट के साथ लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप पर हाई ब्रेकआउट किया है। तो अगेन यहाँ से खेल पलटता नज़र आ सकता है। पटेल इंजीनियरिंग अब ट्रेंड दिखा सकता है और अब इस चार्ट पैटर्न को भी देखो, जंप, गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप के साथ बाउंस बैक कर रहा है तो हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। तो नीचे की ओर जहाँ सपोर्ट लेकर जंप दिखा है 54 इमीडिएट सपोर्ट है, गिरावट आती है तो 54 के लेवल पर इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, ब्रेकडाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 52 का लेवल, और इस गिरावट के साथ अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो सबसे आखिरी सपोर्ट 50 का लेवल ही रहेगा, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से तेज़ी दिखा रहा है, जंप आ रहा है, तो कल के दिन में यानी आने वाले ट्रेडिंग डे में 58 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। जहाँ से रिजेक्शन लिया था रेजिस्टेंस का काम करेगा, ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसी कंडीशन में 60 तक का भी जंप फिर कल के दिन में ही हमको देखने के लिए मिल सकता है। 60 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 64-65 का लेवल रहेगा। 64-65 का लेवल हमने इससे पहले भी आपको चार्ट पैटर्न पर दिखाया है कि इसी सपोर्ट से बड़ी सेलिंग स्टॉक में इसी लेवल से बड़ी सेलिंग आई थी रिजेक्शन फेस करके। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया पटेल इंजीनियरिंग बाउंस बैक के साथ तो फिर लगातार अप ट्रेंड दिखा सकता है। अब इस रिकवरी में 65-66 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। ये जो एरिया है जहाँ से स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, अगेन बड़ी गिरावट के साथ रिजेक्शन लिया था और फिर उसके बाद बड़ी गिरावट दिखाई थी रिजेक्शन के बाद, तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद फिर लगातार अप ट्रेंड। नेक्स्ट टारगेट 70 और फिर 74 से लेके 80 तक का जंप दिखा सकता है, लेकिन 66 के आसपास फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की आपको सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।